अब देखो, एक क्वेश्चन दिया है मैं डेथ वेल के बारे में, है ना। डेथ वेल जानते, मौत का कुआं जो होता है सर्कस में जो दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का सिलेंड्रिकल वेल है जिसमें ऐसे एक मोटरसाइकिल चल रही है। कैसे चलती है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलती है। तो प्लेन ऑफ सर्कल कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ड्रॉ किया, ये वर्टिकल वेल है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से, ठीक है। आर रेडियस है इसका। अब इस डेथ वेल में एक मोटरसाइकिल चल रही है, ये मोटरसाइकिल ड्रॉ कर दिया हमने। इस तरह से चल रही है ना, पर्सन भी बैठा है उसके ऊपर, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है, ये ऐसे चल रही है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो कम से कम कितना फ्रिक्शन चाहिए कि नीचे ना गिरे। तो अब हम बनाते हैं इसका FBD। आगे समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक नॉर्मल लगेगा ऐसा, जिसको मैं N कहूँगा, ठीक है। यहाँ पर MG लगेगा जो इसको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन लगेगा जो इसको गिरने से बचाएगा, ऐसे में। तो इसके पास इधर एक एसेलरेशन भी है, कौन सा है? v² / r, ठीक है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एसेलरेशन नहीं है, ये इसका FBD बन गया। एसेलरेशन भी ड्रॉ कर दिया। इक्वेशंस लिखनी है, ये रेडियल डायरेक्शन, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो n = mv² / r रेडियल, ऐसे, ठीक है ना। यह आ गया नॉर्मल। अब मैं कह सकता हूं एफ रिक्वायर्ड कितना है, mg। एफ रिक्वायर्ड mg गिरने से बचाने के लिए। एफ अवेलेबल कितना है, μn = μmv² / r, ठीक है। गिरने से बचाना है, स्लाइडिंग रोकनी है, स्लाइडिंग रोकनी है। तो अवेलेबल बड़ा होना चाहिए, रिक्वायर्ड छोटा होना चाहिए। तो एफ अवेलेबल ग्रेटर देन इक्वल टू एफ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एफ अवेलेबल कितना है, μmv² / r ग्रेटर देन इक्वल टू mg। एम और एम खत्म हो गए, म्यू चाहिए हमें, तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू rg/v² रूट नहीं रहेगा, ये इसका आंसर होगा। जितना ज्यादा वी होगा उतना कम म्यू चाहिए, इसलिए वो तेज चलाते हैं, धीरे नहीं चलाते, है ना। कभी भी देखा हो वैसे नहीं, बिल्कुल धीरे 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 चलाते, नहीं, वो बहुत तेज चलाते हैं। तो तेज उनको इसलिए चलानी पड़ती है क्योंकि वी बड़ा होगा तो म्यू कम चाहिए, कम स्पीड कर देंगे तो नीचे गिर जाएंगे, ऐसे में, ठीक है ना। हालांकि खैर कितनी भी फिजिक्स लगा लो, चलाने के लिए तो प्रैक्टिस की जरूरत है। हमें ऐसा कोई स्टंट नहीं दिखाना, ठीक है ना। वो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा कर पाते हैं और उसमें भी कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हमें कोई ऐसे स्टंटबाजी नहीं करनी कि हमने ये सब कैलकुलेशन की और फिर चलाने की कोशिश की, नहीं। ये तो जस्ट हमारे लिए तो एक एनालिसिस है, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है ना। वो अलग है, उनकी बहुत प्रैक्टिस है इसलिए वो ऐसा कर पा रहे हैं, और वो भी शायद किसी मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। और कोई रास्ता उनके पास नहीं है इसलिए। खैर जो भी है, तो यहाँ से हमें म्यू मिल गया। कम से कम म्यू कितना चाहिए, rg/v². अब क्या उतने म्यू से काम चल जाएगा? प्रैक्टिकली नहीं चलेगा, क्योंकि उनको कई बार स्पीड कम ज़्यादा भी करनी पड़ती है। तो स्पीड कम करनी है, बढ़ानी है, तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा तो उसके लिए भी फ्रिक्शन चाहिए। तो प्रैक्टिकली तो म्यू इससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए, जिससे हम
टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी फ्रिक्शन को यूज कर सकें, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा इसको गिरने से बचाने में काम आ गया। अब अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो उसके लिए फ्रिक्शन हमारे पास बचा नहीं, आया समझ में? तो इज इक्वल टू अगर लगा देंगे तो वो इज इक्वल टू वाला केस तो कॉन्स्टेंट स्पीड से चलने के लिए है, लेकिन हमें तो कभी स्पीड बढ़ानी भी पड़ेगी, कभी कम भी करनी पड़ेगी, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, फिर म्यू हमें और ज़्यादा चाहिए, आया समझ में? नोट कर लो इसको। अब देखो ये एक रिंग दी हुई है हमें, यूनिफॉर्म रिंग है एम मास आर रेडियस की, जो कि ओमेगा से घूम रही है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, हमें बताना है कि इसमें टेंशन कितना होगा। तो बायसिमेट्री हम ये कह सकते हैं किसी भी जगह पर टेंशन का जो मैग्नीट्यूड होगा हर जगह पर कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो अब उसको कैसे सॉल्व करें, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अब इसमें कैसे इसको सॉल्व करें, ठीक है ना? तो ये मान के चलो 99% चांसेस यही हैं कि ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट सॉल्व कर पाएगा जिसने पहले से किया होगा, ठीक है? मैंने भी जब पहली बार देखा था तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया था कि इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है ना, जब मैं खुद पढ़ रहा था, ठीक है? तो उस समय जब मैंने ये देखा तो अरे ये क्या क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे इसको, ठीक है? तो नहीं समझ आता ये, है ना, क्लिक नहीं करता कि इसमें क्या किया जाए। तो अब करना तो हमें यही है, एफ नेट इज इक्वल टू एम, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अब उसके लिए कैसा टुकड़ा लें, तो अगर हम बड़ा टुकड़ा ले लेंगे तो उसमें फिर हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक छोटा सा टुकड़ा इसका कंसिडर करना चाहते हैं, सॉरी। तो वो जो छोटा सा टुकड़ा है जो हम कंसिडर करेंगे वो कैसा होगा, तो वो हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे एक लाइन ड्रॉ की, बहुत बहुत छोटा सा डी थीटा एलिमेंट ले रहे हैं, ऐसा, और इतना ही इधर, ठीक है? तो इस एंगल को मैंने कह दिया डी थीटा, और इस एंगल को भी मैंने कह दिया डी थीटा। देखो बहुत ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है? अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं, इसको हम इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं, इसका एफबीडी बना रहे हैं और इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं इस पार्ट की, ऐसा, ठीक है, है ना? तो इसका कुछ मास होगा, इसका मास मैं लिख सकता हूं क्या, तो इसका मास मैं लिख सकता हूं कितना, डीएम, दैट डी एम इज इक्वल टू एम अपॉन टू पाई। पूरे टू पाई एंगल में कितना मास है, एम, तो यूनिट एंगल में कितना होगा, एम अपॉन टू पाई, और टू डी थीटा में कितना होगा, एम अपॉन टू पाई इंटू टू डी थीटा, दिस इज डी एम, ये डी एम की वैल्यू होगी। फिर से एक बार समझ लो, पूरे टू पाई एंगल में एम मास है, तो यूनिट एंगल में होगा m अपॉन टू पाई, तो 2d थीटा में होगा m अपॉन टू पाई इंटू टू डी थीटा, मास हमारे पास आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या करें, अब फोर्सेस ड्रॉ करें, तो फोर्स कैसा होगा, फोर्स ऐसा टेंजेंशियल होगा, t, ठीक है, यहां पर भी फोर्स ऐसा टेंजेंशियल होगा, जिसको मैं कहूंगा बायसिमेट्री, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। अच्छा, फोर्स भी आ गए भाई, अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन ऐसा होगा, जिसको मैं कहूंगा ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, एफ आ गया, एम आ गया और एक्सेलरेशन आ गया। अब ये जो फोर्सेस हैं इनका हम एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कंपोनेंट करते हैं, बहुत छोटा सा एंगल है ये असल में, तो ठीक है ना, डी थीटा और डी थीटा बहुत छोटे एंगल हैं, तो बहुत एग्जैजरेट करके हमने दिखाया है। डी थीटा का मतलब ये समझो, क्या समझें, जैसे मान लो कि यहाँ पर ऐसे एक डॉट लगा दिया हमने, ये डॉट दिख भी नहीं रहा, इतना छोटा सा डॉट मैंने लगाया, और इस डॉट को 10 मीटर दूर से कोई देखे, ठीक है ना, 10 मीटर दूर से कोई देखे, एक इमेजिनेशन करवा रहा हूँ मैं, डी थीटा कितना होता है, है ना, इस डॉट को 10 मीटर से, 10 मीटर भी क्या, बल्कि 100 मीटर से देखें, तो 100 मीटर से
इस डॉट के लेफ्ट साइड और राइट साइड से उसके आंख पर जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, उन दोनों लाइन के बीच में ऐसे दो लाइन बनेंगी ना डायमीटर से, ये डायमीटर है तो इससे दो लाइन बनेंगी ऐसे, ठीक है। तो ये डॉट तो यहां पर है और ये कितना ले लिया हमने 100 मीटर, तो उससे जो ये एंगल बनेगा उसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत बहुत छोटा एंगल है, इसको डी थीटा कहेंगे। और थ्योरेटिकली तो डी का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल, इतना छोटा जिससे छोटा हम इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है ना, इतना छोटा, बिल्कुल बिल्कुल छोटा, और उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, उसको हम इनफाइनाइटली स्मॉल कहते हैं। तो बहुत छोटा ये एंगल लिया है। खैर अब जो भी है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस टेंशन के दो कॉम्पोनेंट कर देता हूं, एक कॉम्पोनेंट ऐसा, ठीक है, और एक कॉम्पोनेंट ऐसा, अभी दिख जाएगा, है ना, मेरी वजह से दिख नहीं रहा होगा। इसके भी मैंने दो कॉम्पोनेंट कर दिए, ऊपर वाले के भी ऐसे, इस तरह से, ठीक है, समझ में आ गया, इस तरह और इस तरह। ये एंगल डी थीटा है, तो इट इज ऑल्सो डी थीटा, 90 माइनस डी थीटा, और ये भी डी थीटा हो जाएगा, ये भी डी थीटा हो जाएगा, आया समझ में, ठीक है ना। अब ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट, है ना, टी कॉस डी थीटा, लिखने की भी जरूरत नहीं वैसे, बस एक बार समझ आने के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना, टी कॉस डी थीटा, है ना, जब ये कैंसिल होने ही, हमें तो दिख ही रहा हो कैंसिल होंगे तो क्यों उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, ये कितना होगा टी साइन डी थीटा, ये कितना होगा टी साइन डी थीटा, ऐसा। अब मैं लिखूंगा इक्वेशन, अब बारी है इक्वेशन की, तो इसकी इक्वेशन क्या बनने वाली, इक्वेशन देखो, ये डायग्राम ही इसका सॉल्यूशन है, डायग्राम सही से बनेगा तो सॉल्यूशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इसमें कुछ नहीं बचा, सपोर्ट करने वाले फोर्स ये दोनों हैं, तो मैं लिखूंगा 2t साइन डी थीटा इज इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसको मैं लिखूंगा 2t डी थीटा, लिख सकते हैं साइन डी थीटा को, क्योंकि बहुत बहुत छोटा है, डीएम को लिखूंगा एम डी थीटा अपॉन पाई, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर। अब डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहां से आ गया टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो एक बार हम फिर से इसको चेक कर लेते हैं, ये आ गया हमारा m अपॉन 2π इंटू 2d थीटा, ये तो dm हो गया, ठीक है ना। f आ गया हमारे पास 2t साइन d थीटा इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर r, यहाँ पर रखा हमने t इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 2π, दिस इज द आंसर, आया समझ में। तो बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, अब ये क्वेश्चन कैसा है देखो, अगर कोई करके जाता है तो फटाफट से कर देगा, बहुत सिंपल सा है ना सॉल्यूशन, तो बहुत छोटा है, सिंपल तो नहीं है, बहुत छोटा है, अगर हम पढ़ के गए तो फिर हमसे हो जाएगा, नहीं पढ़ के गए तो नहीं होगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बड़े आराम से मुझे लगता है कि 2 मिनट में कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, बस शर्त यह है कि उसने पहले से किया हो, उसे पता हो मुझे किस रास्ते पर जाना है, नहीं तो फिर रास्ता ढूंढने में ही 10 मिनट लग जाएंगे और फिर भी रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये लेक्चर को हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं,